का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको एनालिसिस कराया था कि एग्जाम पैटर्न आपका कैसा रहा था, अब हम देख लेते हैं आपके आंसर देख लेते हैं, ठीक है। जितने भी मुझ पर सॉल्व हुए हैं वो मैंने सॉल्व करा दिए आपको, तो आप आंसर मिला लीजिए आपके RPSC फर्स्ट ग्रेड के फिजिक्स के एग्जाम के जो 12 तारीख को आपको कम्प्लीट हुआ है 2022, ठीक है। देखिए पहले आंसर, पहला का आंसर रहेगा आपका 4th। कम्प्लीट आंसर आपका सही आंसर है 2 by 1 by 2 upon by 1 plus by 2। सेकेंड आंसर आप देखते हो सेकेंड का है 4th, E2 minus E1 upon E1 upon 2R, ठीक है। थर्ड की हम बात करते हैं तो इसका होगा 4πr², ठीक है। तीसरे का पहला आपका आंसर रहेगा। अगला हम बात कर लेते हैं, ये साइन हाइपरबोलिक AT का लाप्लास रूपांतरण ज्ञात करना था, जिसका कि होगा तीसरा आंसर आपका करेक्ट रहेगा a upon √s² - a², ये वाला आपका आंसर रहेगा तीसरा, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, ये आपका हाइड्रोजन परमाणु वाला था, जिसका कि आंसर रहेगा आपका पहला 3H², ठीक है। जो मैंने आपको कल बता दिए उनसे आगे हम फर्दर चल रहे हैं, आप देख लीजिए आपके कितना आपका सही बैठ रहा है। ये एक सरल रेखा वाला था, तो इसका आपका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है, कि x के साथ रैखिकता बढ़ता है। 2 बेलनाकार 26वां प्रश्न है, बेलनाकार चालक AB समान पदार्थ के समान लंबाई के थे, तो इसका आंसर आपका 4 रहने वाला है, ठीक है। मिलान कर लीजिए आप, तीसरा आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम इसकी बात कर लेते हैं, इसका 5/2 करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। नाभिकीय कोष सेल मॉडल के अनुसार 8 oxygen 17 की मूल अवस्था चक्रण 5/2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट आंसर आपका यंग दुई स्लिट वाला, जिसका कि ऑप्शन फर्स्ट आपका सही रहेगा d λ/d। ओके, एक परिपथ में धारा I = I₀ T/τ है, तो इसके लिए हमको वर्ग माध्य मूल RMS ज्ञात करना, जिसका आंसर रहेगा I₀ upon √3। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका क्रांतिक वेग से संबंधित था, जिसका कि आंसर आपका रहेगा K𝜂/ρr, ठीक है। इसको आप ठीक करेंगे, U वेग से गति करता हुआ M1 द्रव्यमान का एक कण है, विराम अवस्था में M2 कण से टक्कर करता है, तो प्रयोगशाला में तो प्रकीर्णन फाई कोण द्रव्यमान तंत्र के संगत कोण थीटा संबंध है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा 100%, ठीक है। ये सभी मैंने सॉल्व कर लिए हैं। एक माइक्रोन व्यतिकरण मापी एक स्रोत जिसकी कला संबद्धता LC है, तो उपयोग दो निकटस्थ तरंग दैर्ध्यों का मापन करना चाहता है कि दो भुजाओं का न्यूनतम अंतर d है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, d = LC/2 आंसर रहेगा। अगला हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 65वां प्रश्न है, यदि किसी ताप विशेष पर किसी एकल परमाणु का आदर्श गैस की अधिकतम संभाव्य चाल CMP है, तो इसकी PMP प्रायिकता है, और चाल दे रखी अपने को प्रायिकता P दी जाती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट रहेगा, P = PMP(x²)(1 − x²), ठीक है। नेक्स्ट हम नाभिकीय बल है, लघु परास के आकर्षण बल होते हैं, ठीक है, ये आप सही कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आप एक वस्तु जिनका द्रव्यमान मूल बिंदु पर है, तो ये ए पॉइंट दिया था A00, 0A0 और 00A, x/x के प्रत्यय चरित्र आगुण 0.20 kg/m² वस्तु z अक्ष के प्रत्यय जड़ता आगुण ज्ञात करना था, जो कि आया था 0.20 kg/m² है, ठीक है। जूल थॉम्सन का गुणांक अपने को देखना था, जिसका कि ∆T/∆P कॉन्स्टेंट ऑफ h होता है। आज हम ओनली फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये लंबाई की छड़ थी जो चित्र आपको दिखे अपना, ठीक है, ये वाला, तो इसका आंसर आपको रहेगा लंबाई की छड़ वाली, इसका रहेगा μ0 IB/2πln B/A, ठीक है, ये आप कर लेना, बिल्कुल सही है इसका आंसर। थर्टी डिग्री का कला विस्थापन प्रक्षेपित किया जाता है जब 0.15 MeV का एक कर्ण पुंज एक लक्ष्य से प्रकीर्णित होता है, तो कुंज की ऊर्जा बदलती है, प्रेक्षित कला सब डिग्री है, यह मानते हुए केवल एच तरंग प्रकीर्णन सुसंगत है, तो एवं काट
क्षेत्र ऊर्जा परिवर्तित नहीं होता है, पुंज की ऊर्जा क्या होगी? तो 0.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आएगा। और बाकी के जो प्रश्न रह जाते हैं उनको हम आपके कल इसी टाइम वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी। एक कण गतिज ऊर्जा ई डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्बडा कितनी अतिरिक्त गतिज ऊर्जा दी जाए जिससे कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कम हो कर अपने प्रारंभिक मान 75% रह जाती है? तो 7/9 ई इसका आंसर रहेगा। एक ये आपके पास डायग्राम दिया हुआ था जी, ठीक है, तो इसको आपको डेफिनेशन क्वेश्चन को पढ़ना है और इसका आंसर आपका रहेगा सेकंड कि टी का मान रहेगा 0 से 1 के सेकंड के लिए और बी नॉट यहाँ पर वोल्टता जो है -6 मेगा वोल्ट एवं अन्यथा 0 होगी। ठीक है, ये आप सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एक आदर्श ओपेम्प की निवेशी प्रतिवादा अनंत एवं निर्गत प्रतिवादा शून्य होती है, ऑप्शन थर्ड आपका सही रहेगा। दो फर्मियोन के लिए निकाय पर विचार कीजिए, प्रत्येक कण के लिए एक विमीय बॉक्स में प्रथम 3 अवस्थाएं उपस्थित है, किसी एक सूक्ष्म अवस्था में दोनों कणों के साथ मिलने वाली प्रायिकता रहेगी 0। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है। और देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन है। हाँ जी, सामान्य नेत्र की मांसपेशियां न्यूनतम विकृत क्लांत होती है तो नेत्र पर वस्तु पर फोकसित होती है, तो ये ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा, नेत्र से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ओके, आपका लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का कि साबुन के घोल वाला ये प्रश्न है, तो इसमें 1.07 × 10^5 पास्कल आपका आंसर रहेगा। तो ये सभी प्रश्न हमने बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन किया हुआ है, और किसी भी भाई को यदि इन प्रश्नों में समस्या है तो वो मेरे से सॉल्यूशन मांग सकता है, मैं उनको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कल नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।